में रविवार को नागपुर से ट्रक में लौट रहे कुछ मजदूरों को राजनांदगांव पुलिस ने रोका है और ये मजदूर नागपुर से रायगढ़ की ओर जा रहे थे। कवर्धा और बेमेतरा के 30 और 35 मजदूर इस ट्रक में सवार थे। मजदूरों ने ट्रक को तिरपाल से पूरी तरह से ढका हुआ था। नागपुर से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर को पार करते वक्त राजनांदगांव तक ये पहुंच चुके थे। भले ही पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया लेकिन नागपुर से यहां तक 30 से 35 मजदूर एक ही ट्रक में बैठकर आखिर कैसे आए हैं, ये एक चौंकाने वाली बात है जो पुलिस चेकिंग पर भी अब बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जा रही है रायगढ़ पर, उसमें देवरी है अपना महाराष्ट्र वाले, उसको जो अपने यहाँ के जिले के लोग हैं जो अपने मजदूर लोग, उनको गाड़ी में बिठा दिए हैं इनको यहाँ छोड़ने के लिए। जब भी हमने गाड़ी रुकवाया तो इनको अभी जो अपने जिले के हैं, कुछ कवर्धक हैं, कुछ जेमेत रखे हैं, करीब 30-35 लोग हैं अभी, इनको उतरा कर अभी अपने कैंप के पास रखे हुए हैं। अभी कंट्रोल रूम को हमने अभी फोन करके खबर किया है, अभी संबंधित अभी वरिष्ठ अधिकारी लोग आएंगे और उनका भी जाँच वाँच करा के फिर उनको है। मनोज मिश्रेकर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर। मनोज, बड़ा खुलासा हुआ है, इतनी जगह जगह चेकिंग पॉइंट, उसके बाद भी 30 से 35 मजदूर एक ही ट्रक में कैसे? जी, कमाने खाने के लिए यहाँ से हैदराबाद से वो लोग वापिस आ रहे थे तो नागपुर में उनको व्यवस्था मिली तो ट्रक से राजनांदगांव में यहाँ है और यहाँ के पुलिस को सूचना मिली कि कुछ मजदूर 30-40 एक ट्रक में आ रहे हैं तो पुलिस वालों ने इनको यहाँ पर राजनांदगांव में पकड़ा था और फिर यहाँ उतार कर उनकी पूरी जांच कर उनको राहत सामग्री देकर उनको वापिस मनोज उनकी जांच करवा ली गई और उनको राहत सामग्री दे के चलता कर दिया गया। क्या इन लोगों को क्वारंटीन नहीं किया गया है? अगर वो राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं तो कोरोना का संक्रमण तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब तक जांच रिपोर्ट, जो सैंपल लिए गए हैं या जो भी जांच की गई है, जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इनको क्यों क्वारंटीन नहीं किया गया? जी, क्वारंटीन नहीं किया गया, इनको यहाँ राहत सामग्री देकर और उनकी चेकिंग कराकर उनको गाड़ी की अलग से व्यवस्था करके जो बेमेतरा जाना चाहता था बेमेतरा भेज दिया गया है, जो कवर्धा जाना चाहता था कवर्धा भेज दिया गया था। उनकी पूरी जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट में क्या कुछ आया? नहीं, जांच ऐसे ही वो किए थे, उनकी अभी रिपोर्ट वगैरह कुछ आई नहीं है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। एसडीएम मुकेश रावटे को हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे जानना चाह रहे थे कि सिर्फ नॉर्मल जांच करने के बाद इनको कैसे अपने अपने गंतव्य तक छोड़ दिया गया, जब तक इनके कोरोना की जो रिपोर्ट है जब तक वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक इनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। चित्रकूट